Welcome to the Sunday Suspense of Maruti Suzuki Alto, star या rock star. Suspense की ये शाम बहुत से suspense खुलेंगे. पहला suspense ये कि क्या पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी मानसी performer of the week बनेगी या कोई और. दूसरा suspense ये कि आज top two position पर कौन कौन होगा. तीसरा suspense ये है कि आज इन सातों में से कौन से दो stars safe होंगे. चौथा सस्पेंस ये है कि आज हमारे स्टार्स अपने परफॉर्मेंसेस के जरिए जजेस पर अपना जादू चला पाएंगे या नहीं. और सबसे बड़ा सस्पेंस ये खुलेगा कि आज किसके लिए रॉकस्टार बनने का अरमान अधूरा रह जाएगा. हम एक के बाद एक सारे सस्पेंस खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए म्यूजिक के इक्के सुरताज अनु मलिक और सिंगिंग सेंसेशन अलीशा चुनाय का. मानसी और सचिन ने कल हाईएस्ट स्कोर्स हासिल किए और छवि और कपिल ने लोएस्ट. पर आज का फैसला होगा जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स को मिलाकर. तो मानसी और सचिन, क्या आपको लगता है कि जनता ने भी आपको परफेक्ट वोट्स दिए होंगे? सच कहूँ मोना, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास. बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट कि यू नो ऑडियंसेस आपके लिए वोट करें, और ये होप रहता है कि आप बॉटम थ्री में ना हो. लेकिन अगर बॉटम थ्री में होंगी तो भी परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए बस. सचिन जी, आज आप अपनी पोजिशन के लिए कॉन्फिडेंट हैं? मैं दरअसल ना ही अपनी पोजीशन को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, ना ही नंबर ऑफ वोट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ. मैं सिर्फ अपने गाने को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ. कपिल और छवि, कल आपको सबसे कम स्कोर्स मिले, क्या आपको लगता है कि आप में से किसी एक को ये मन छोड़कर जाना पड़ेगा? कपिल, मुझे ये लगता है क्योंकि जनता को भी पता है कि मुझे कल कम मार्क्स क्यों मिले. मैं गाना भूल गया था, एक्चुअली लिरिक्स भूल गया था. गलियां तंग है, शर्मो शर्मी ये बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जंग है, खुद से. सॉरी, लिरिक्स भूल गया. कपिल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो अगर जनता इस चीज को ध्यान में रख के मुझे वोट करेगी कि ये गाना भूला है लेकिन बेसुरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि जनता मुझे जरूर वोट करेगी. छवि, मोना मुझे नहीं पता कि मुझे आज यहाँ से जाना पड़ेगा या नहीं, या मैं बॉटम थ्री में एक बार फिर से आऊँगी या नहीं. लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रही हूँ, अपनी परफॉर्मेंस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ. अगर ऐसी नौबत फिर से आई कि मैं बॉटम थ्री में आई और मुझे गाना पड़ा, तो आई वांट टू गिव इट माय बेस्ट शॉट. मानसी, सचिन, कपिल और छवि, आप चारों मेरे साथ स्टेज पर ही रहिए, और बाकी सब प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू. आप चारों में से मैं किसी दो का नाम अनाउंस करूंगी, और उन दोनों को आज एक बार फिर से परफॉर्म करना होगा. फर्क सिर्फ इतना है कि कोई एक परफॉर्म करेगा परफॉर्मर ऑफ द वीक बनने के लिए, और दूसरा परफॉर्म करेगा क्योंकि वो होगा एलिमिनेशन की चौखट पर. मानसी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर वन ऑफ आवर टॉप टू. आप तीनों में से अब मैं एक बॉटम थ्री परफॉर्मर का नाम अनाउंस करूंगी, और वो नाम है, वेरी शॉकिंग, सचिन जी. आई एम सॉरी सचिन जी, लगता है जनता चाहती है कि आप परफॉर्म करें अपने आप को इस कंपटीशन में बचाने के लिए. अनु जी, आप काफी अपसेट लग रहे हैं. अपसेट इज अ स्मॉल वर्ड एक्चुअली.
मैं नाराज हूँ। सचिन जिनको हमने कल इतने दिल से लगाया एंड इतना अच्छा गाया उन्होंने, और जो पॉइंट्स मैंने दिए, मतलब इसका मतलब जनता ने ना मेरी पॉइंट्स देखी ना अलीशा की देखी, उन्होंने अपना ही मन लगा लिया। मुझे बहुत दुख हुआ है। आई एग्री कि पॉपुलैरिटी कमाल की चीज होती है, किसी की पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन सुर भी तो कोई होता है ना, ताल लय सुर कुछ समझ तो होनी चाहिए। अलीशा, ताजुब तो हो ही रहा है, लेकिन सचिन जी इज सच अ फैंटास्टिक परफॉर्मर एंड सीजन परफॉर्मर, तो मुझे लग रहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली, ही इज गोइंग टू गिव एवरीवन अ बिग फाइट, ही इज अ फाइटर। छवि और कपिल, आप दोनों का फैसला हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, फिलहाल प्लीज टेक योर सीट्स। सचिन जी आप भी, यू ऑल्सो प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू।